अमेरिका को अब सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पोलैंड की भी चिंता है। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि रूस कभी भी बेलारूस के नाम का सहारा लेकर पोलैंड पर अटैक कर सकता है। पोलैंड में वैगनर फोर्स का डर भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि अब राजधानी की सड़कों पर भी टैंक घूमने लगे हैं। पोलैंड में एक भी धमाका विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि नेटो देश पोलैंड को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर किसी तरह का हमला नेटो पर हमला माना जाएगा। जो यूक्रेन की वजह से नहीं हुआ वो पोलैंड की वजह से होना तय लग रहा है। पुतिन के मन में क्या चल रहा है दुनिया बस इसका अंदाजा लगा रही है। लेकिन पोलैंड में एक धमाके के बाद बाइडेन क्या करेंगे ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। अमेरिका और रूस की सीधी जंग का खतरा अब और बढ़ गया है, क्योंकि पोलैंड में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बेलारूस और पोलैंड के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। पोलैंड में दहशत का आलम कैसा है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बॉर्डर पर तो सख्त पहरा है ही, सड़कों पर भी टैंक से गश्त लगाई जा रही है। वैगनर आ चुके हैं या फिर आएंगे ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन मुस्तैदी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर वाटर कैनन की तैनाती की है ताकि किसी घुसपैठ को बिना गोली चलाए रोका जा सके। वैगनर्स फोर्स की हर मूवमेंट के साथ नाटो देशों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि वैगनर लड़ाके पोलैंड में घुस चुके हैं। पोलैंड में बेलारूस से आए लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। किसी पर भी शक होते ही पूछताछ शुरू कर दी गई है। होटल में ठहरे लोगों की जांच शुरू हो गई है। पोलैंड के बाहरी इलाकों में पुलिस को सतर्क किया गया है। पोलैंड की राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना से जुड़ी इमारतों में भी पहरा है। बेलारूस पर कई हमले होने के बाद रूस ने चेतावनी दी है, जिसकी वजह से पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी और तेज हो गई है। पिछले हफ्ते ही बेलारूस के सैनिकों ने पोलैंड की सीमा के करीब युद्ध अभ्यास किया था, जिससे तनाव और बढ़ गया है। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी के बाद से पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी और हथियारों की तैनाती शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड में अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के कई एजेंट्स को भेजा गया है। पोलैंड ने बेलारूस सीमा से लगातार घुसपैठ कराने का भी आरोप लगाया है। पोलैंड के साथ लिथुआनिया में भी युद्ध की तैयारी जारी है। लिथुआनिया में विदेश से आए लोगों की लिस्ट बनाई गई है। रूस और बेलारूस के पासपोर्ट से आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। रूस और बेलारूस से आए लोगों को देश से बाहर जाने को कहा गया है। लातविया में भी रूस के नागरिकों की लिस्ट तैयार है। अगले महीने लातविया से भी रशियन नागरिकों को निकाला जा सकता है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए है क्योंकि बेलारूस और पोलैंड में युद्ध का सीधा मतलब अमेरिका और रूस के बीच युद्ध होना है। यही वजह है कि रूस यहां अपने सैनिकों की जगह वैगनर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि नाटो देश रूस पर हमले का आरोप ना लगा सके। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा, और पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। रूस की कोशिश पोलैंड को युद्ध में उलझाकर यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई को रोकना भी है। यूक्रेन को इस वक्त हथियारों की सख्त जरूरत है। पोलैंड को युद्ध में उलझाना पुतिन के विंटर प्लान का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन को बर्फबारी से पहले घुटने पर लाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।